मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात हमेशा की तरह मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी एक प्रतीक्षा रहती है। इस बार भी मैंने देखा कि बहुत सारे पत्र, कमेंट्स, फोन कॉल मिले हैं, ढेर सारी कहानियां हैं, सुझाव हैं, प्रेरणा हैं। हर कोई कुछ न कुछ करना चाहता है और कहना भी चाहता है, एक जज्बा महसूस होता है। और इन सभी में बहुत कुछ है जो मैं समेटना चाहूँगा, लेकिन समय की सीमा है इसलिए समेट भी नहीं पाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बहुत कसौटी कर रहे हैं, फिर भी आप ही की बातों को इस मन की बात के धागे में पिरो करके फिर से एक बार आपको बांटना चाहता हूँ। आपको याद होगा, पिछली बार मैंने प्रेमचंद जी की कहानियों की एक पुस्तक के बारे में चर्चा की थी और हमने तय किया था कि जो भी बुक पढ़ें उसके बारे में कुछ बातें नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सबके साथ शेयर करें। मैं देख रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों ने अनेक प्रकार की पुस्तकों की जानकारी साझा की है। मुझे अच्छा लगा कि लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इतिहास, संस्कृति, बिजनेस, जीवन चरित्र, ऐसे कई विषयों पर लिखी गई किताबों पर और उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे यह भी सलाह दी है कि मैं कई और पुस्तकों के बारे में बात करूँ। ठीक है, मैं ज़रूर कुछ और पुस्तकों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बात मुझे स्वीकारनी होगी कि अब मैं बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने में समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन एक फ़ायदा जरूर हुआ है कि आप लोग जो लिख करके भेजते हैं तो कई किताबों के विषय में मुझे जानने का जरूर अवसर मिल रहा है। लेकिन ये जो पिछले एक महीने का अनुभव है उसे मुझे लगता है कि इसको हमने आगे बढ़ाना है। क्यों न हम नरेंद्र मोदी ऐप पर एक परमानेंट बुक्स कॉर्नर ही बना दें और जब भी हम नई किताब पढ़ें उसके बारे में वहाँ लिखें, चर्चा करें। और आप हमारे इस बुक्स कॉर्नर के लिए कोई अच्छा सा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह बुक्स कॉर्नर पाठकों और लेखकों के लिए एक सक्रिय मंच बन जाए। आप पढ़ते लिखते रहें और मन की बात के सारे साथियों के साथ साझा भी करते रहें। साथियों, ऐसा लगता है कि जल संरक्षण, मन की बात में जब मैंने इस बात को स्पर्श किया था, लेकिन शायद आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे कहने से पहले भी जल संरक्षण ये आपके दिल को छूने वाला विषय था, सामान्य मानवी की पसंदीदा विषय था। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पानी के विषय ने इन दिनों हिंदुस्तान के दिलों को झकझोर दिया है। जल संरक्षण को लेकर देश भर में अनेक विध प्रभावी प्रयास चल रहे हैं। लोगों ने पारंपरिक तौर तरीकों के बारे में जानकारियां तो शेयर की है, मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं, सरकार हो, एनजीओज हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। जैसे झारखंड में रांची से कुछ दूर ओरमाझी प्रखंड के आरा कैरम गाँव में वहाँ के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गाँव के लिए जीवनदान से कम नहीं है। आप सबको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति, वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहाँ की सरकार को बधाई देता हूँ। हरियाणा में उन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और किसान का भी कोई नुकसान नहीं होता है। मैं हरियाणा सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के साथ संवाद करके उन्हें परंपरागत खेती से हटकर कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित किया। अब तो त्योहारों का समय आ गया है, त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुँचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत
आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। साथियों, जीवन में कुछ बातें हमें उत्साह से भर देती है और विशेष रूप से बच्चों की उपलब्धियां, उनके कारनामे हम सबको नई ऊर्जा देते हैं। और इसलिए आज मुझे कुछ बच्चों के बारे में बात करने का मन करता है। और ये बच्चे हैं निधि बाईपोटू, मोनिश जोशी, देवांशी रावत, तनुष जैन, हर्ष देवधरकर, अनंत तिवारी, प्रीति नाग, अथर्व देशमुख, अरोन्यतेश गांगुली और ऋतिक अलामंदा। मैं इनके बारे में जो बताऊंगा उससे आप भी गर्व और जोश से भर जाएंगे। हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी दुनिया डरती है, ऐसा लगता है मृत्यु द्वार पर खड़ी है। लेकिन इन सभी 10 बच्चों ने अपनी जिंदगी की जंग में न केवल कैंसर को, कैंसर जैसी घातक बीमारी को पराजित किया है, बल्कि अपने कारनामे से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। खेलों में हम अक्सर देखते हैं कि खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने या मेडल हासिल करने के बाद चैंपियन बनते हैं, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर रहा जहां ये लोग खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले ही चैंपियन थे, और वो भी जिंदगी की जंग के चैंपियन। दरअसल इसी महीने मॉस्को में वर्ल्ड चिल्ड्रंस विनर्स गेम्स का आयोजन हुआ। ये एक ऐसा अनोखा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है जिसमें यंग कैंसर सर्वाइवर्स, यानी जो लोग अपने जीवन में कैंसर से लड़कर बाहर निकले हैं, वे ही हिस्सा लेते हैं। इस प्रतियोगिता में शूटिंग, चेस, स्विमिंग, रनिंग, फुटबॉल और टेबल टेनिस जैसी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। हमारे देश के इन सभी 10 चैंपियंस ने इस टूर्नामेंट में मेडल जीते। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो 1 से ज्यादा खेलों में मेडल जीते। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसमान के भी पार अंतरिक्ष में भारत की सफलता के बारे में जरूर गर्व हुआ होगा। चंद्रयान 2। राजस्थान के जोधपुर से संजीव हरिपुरा, कोलकाता से महेंद्र कुमार डागा, तेलंगाना से पी अरविंद राव, ऐसे अनेक देश भर के अलग अलग भागों से कई लोगों ने मुझे नरेंद्र मोदी ऐप और माई गॉव पर लिखा है, और उन्होंने मन की बात में चंद्रयान 2 के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है। दरअसल स्पेस की दृष्टि से 2019 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने मार्च में ए सैट लॉन्च किया था और उसके बाद चंद्रयान 2। चुनाव की आपाधापी में उस समय ए सैट जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी, जबकि हमने ए सैट मिसाइल से महज 3 मिनट में 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का 4th देश बना। और अब 22 जुलाई को पूरे देश ने गर्व के साथ देखा कि कैसे चंद्रयान 2 ने श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तस्वीरों ने देशवासियों को गौरव और जोश से, प्रसन्नता से भर दिया। चंद्रयान 2 यह मिशन कई मायनों में विशेष है। चंद्रयान 2 चांद के बारे में हमारी समझ को और भी स्पष्ट करेगा। इससे हमें चांद के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारियां मिल सकेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। इस मिशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात नए नए क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की हो, इनोवेटिव जील की हो, तो हमारे वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ हैं, विश्व स्तरीय है। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ यह है कि किसी भी व्यवधान से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में दिन रात एक करके सारे टेक्निकल इश्यूज को ठीक कर
चंद्रयान 2 को लॉन्च किया वह अपने आप में अभूतपूर्व है। वैज्ञानिकों की इस महान तपस्या को पूरी दुनिया ने देखा, इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। और व्यवधान के बावजूद भी पहुंचने का समय उन्होंने बदला नहीं, इस बात का भी बहुतों को आश्चर्य है। हमें अपने जीवन में भी टेम्पररी सेटबैक्स यानी अस्थाई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा याद रखिए, इससे पार पाने का सामर्थ्य भी हमारे भीतर ही होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 2 अभियान देश के युवाओं को साइंस और इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा। आखिरकार विज्ञान ही तो विकास का मार्ग है। अब हमें बेसब्री से सितंबर महीने का इंतजार है, जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की लैंडिंग होगी। आज मन की बात के माध्यम से मैं देश के विद्यार्थी दोस्तों के साथ, युवा साथियों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता के बारे में, कंपटीशन के बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूं और देश के युवक युवतियों को निमंत्रित करता हूं। एक क्विज कंपटीशन, अंतरिक्ष से जुड़ी जिज्ञासाएं, भारत का स्पेस मिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, इस क्विज कंपटीशन के मुख्य विषय होंगे। जैसे कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सैटेलाइट को कैसे ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है और सैटेलाइट से हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त करते हैं, ए सेट क्या होता है, बहुत सारी बातें। माई गॉव वेबसाइट पर 1 अगस्त को प्रतियोगिता की डिटेल्स दी जाएगी। मैं युवा साथियों को, विद्यार्थियों को अनुरोध करता हूं कि इस क्विज कंपटीशन में भाग लें और अपनी हिस्सेदारी से इसे दिलचस्प, रोचक और यादगार बनाएं। मैं स्कूलों से, अभिभावकों से, उत्साही आचार्यों और शिक्षकों से विशेष आग्रह करता हूं कि वे अपने स्कूल को विजयी बनाने के लिए भरसक मेहनत करें, सभी विद्यार्थियों को इसमें जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और सबसे रोमांचक बात यह है कि हर राज्य से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को भारत सरकार अपने खर्च पर श्रीहरिकोटा लेकर जाएगी और सितंबर में उन्हें उस पल का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहा होगा। इन विजयी विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन की ऐतिहासिक घटना होगी, लेकिन इसके लिए आपको क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे, आपको विजयी होना होगा। साथियों, मेरा यह सुझाव आपको जरूर अच्छा लगा होगा, है ना मजेदार अवसर? तो हम क्विज में भाग लेना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। 5 साल पहले शुरू हुआ सफर आज जन जन की सहभागिता से स्वच्छता के नए नए मानदंड स्थापित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। आपको याद होगा कि कुंभ के दौरान प्रयागराज को किस प्रकार स्ट्रीट पेंटिंग से सजाया गया था। मुझे पता चला कि भाई योगेश सैनी ने और उनकी टीम ने उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश
हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वेस्ट टू वेल्थ बनाने का कल्चर हमारे समाज में डेवलप हो। एक तरह से कहें तो हमें कचरे से कंचन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों माई गॉव पर मैंने एक बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी पढ़ी। यह कमेंट जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मोहम्मद असलम का था। उन्होंने लिखा, मन की बात कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने राज्य जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम का आयोजन जून महीने में हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर 3 महीने पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेरे विचार से यह अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसमें जनता ने सरकार से सीधा संवाद किया। भाई मोहम्मद असलम जी ने ये जो संदेश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में जानने के मेरी उत्सुकता बढ़ गई। और जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जाना तो मुझे लगा कि पूरे देश को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर के लोग विकास के मुख्य धारा से जुड़ने को कितने बेताब है, कितने उत्साही है, ये इस कार्यक्रम से पता चलता है। इस कार्यक्रम में पहली बार बड़े बड़े अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारियों को कभी गांव वालों ने देखा तक नहीं था, वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। ये कार्यक्रम हफ्ते भर चला और राज्य की सभी लगभग 4,500 पंचायतों में सरकारी अधिकारियों ने गांव वालों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। ये भी जाना कि उन तक सरकारी सेवाएं पहुंचती भी है या नहीं, पंचायतों को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी सेवाएं सामान्य मानवीय के जीवन में क्या प्रभाव पैदा कर सकती है। गांव वालों ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को बताया। साक्षरता, सेक्स रेशियो, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, बिजली पानी, बालिकाओं की शिक्षा, सीनियर सिटीजन के प्रश्न, ऐसे कई विषयों पर भी चर्चा हुई। साथियों, ये कार्यक्रम कोई सरकारी खानापूर्ति नहीं थी कि अधिकारी दिन भर गांव में घूमकर वापस लौट आए, लेकिन इस बार अधिकारियों ने 2 दिन और 1 रात पंचायत में ही बिताई। इससे उन्हें गांव में समय व्यतीत करने का मौका मिला, हर किसी से मिलने का प्रयास किया, हर संस्थान तक पहुंचने की कोशिश की। इस कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई और चीजों को भी शामिल किया गया। खेलो इंडिया के तहत बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता कराई गई। वहीं स्पोर्ट्स किट्स, मनरेगा के जॉब कार्ड्स और SC ST सर्टिफिकेट भी बांटे गए। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए गए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। एक प्रकार से ये आयोजन एक विकास उत्सव बन गया, जन भागीदारी का उत्सव बन गया, जन जागृति का उत्सव बन गया। कश्मीर के लोग विकास के उत्सव में खुलकर के भागीदार बने। खुशी की बात यह है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन ऐसे दूर दराज के गांवों में भी किया गया जहां पहुंचने में सरकारी अधिकारियों को दुर्गम रास्तों से होकर पहाड़ियों को चढ़ते चढ़ते कभी कभी 1 दिन 1.5 दिन पैदल यात्रा भी करनी पड़ी। ये अधिकारी उन सीमावर्ती पंचायतों तक भी पहुंचे जहां हमेशा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के साये में रहते हैं। यही नहीं, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिले के अति संवेदनशील इलाके में भी अधिकारी बिना किसी भय के पहुंचे। कई अफसर तो अपने स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि वे 2 दिनों से अधिक समय तक गांवों में रुके रहे। इन इलाकों में ग्राम सभाओं का आयोजन होना, उसमें बड़ी संख्या में लोगों का भाग लेना और अपने लिए योजनाएं तैयार करना, यह सब बहुत ही सुखद है। नया संकल्प, नया जोश और शानदार नतीजे, ऐसे कार्यक्रम और उसमें लोगों की भागीदारी, ये बताती है कि कश्मीर के हमारे भाई बहन गुड गवर्नेंस चाहते हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति
बम बंदूक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है। ये साफ है कि जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे ने अपनी कविता में सावन माह की महिमा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की है। इस कविता में उन्होंने कहा है, होड़ी गे मड़ी गे आग्येद लगना अदराग भूमि मगना, अर्थात बारिश की फुहार और पानी की धारा का बंधन अनोखा है और उसके सौंदर्य को देखकर पृथ्वी मग्न है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग संस्कृति और भाषाओं के लोग सावन के महीने को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस मौसम में हम जब भी अपने आसपास देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली हो, चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस पवित्र महीने में कई श्रद्धालु कांवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, जबकि कई लोग नियमित रूप से उपवास करते हैं और उत्सुकतापूर्वक जन्माष्टमी और नागपंचमी जैसे त्योहारों का इंतजार करते हैं। इस दौरान ही भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है। सावन महीने की जब बात हो रही है तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार अमरनाथ यात्रा में पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। 1 जुलाई से अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 2015 में पूरे 60 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में जितने तीर्थयात्री शामिल हुए थे उससे अधिक इस बार सिर्फ 28 दिनों में शामिल हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिए मैं खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों और उनकी मेहमान नवाजी की भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। जो लोग भी यात्रा से लौटकर आते हैं वे राज्य के लोगों की गर्मजोशी और अपनेपन की भावना के कायल हो जाते हैं। ये सारी चीजें भविष्य में पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड में भी इस वर्ष जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है तब से 1.5 महीने के भीतर 8 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। 2013 में आई भीषण आपदा के बाद पहली बार इतनी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री वहां पहुंचे हैं। मेरी आप सभी से अपील है कि देश के उन हिस्सों में आप जरूर जाएं जिनकी खूबसूरती मानसून के दौरान देखते ही बनती है। अपने देश की खूबसूरती को देखने और अपने देश के लोगों के जज्बे को समझने के लिए टूरिज्म और यात्रा शायद इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। मेरी आप सभी को शुभकामना है कि सावन का यह सुंदर और जीवंत महीना आप सब में नई ऊर्जा, नई आशा और नई उम्मीदों का संचार करे। उसी प्रकार से अगस्त महीना भारत छोड़ो उसकी याद लेकर के आता है। मैं चाहूंगा कि 15 अगस्त की कुछ विशेष तैयारी करें आप लोग, आजादी के इस पर्व को मनाने का नया तरीका ढूंढे, जन भागीदारी बढ़े। 15 अगस्त लोकोत्सव कैसे बने, जनोत्सव कैसे बने, इसकी चिंता जरूर करें आप। दूसरी ओर यही वह समय है जब देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, कई हिस्सों में देशवासी बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ से कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है। वैसे जब हम टीवी देखते हैं तो बारिश का एक ही पहलू दिखता है, सब तरफ बाढ़, भरा हुआ पानी, ट्रैफिक जैम। मानसून की दूसरी तस्वीर जिसमें आनंदित होता हुआ हमारा किसान, चहकते पक्षी, बहते झरने, हरियाली की चादर ओढ़े धरती, यह देखने के लिए तो आपको खुद ही परिवार के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। बारिश, ताजगी और खुशी यानी फ्रेशनेस और हैप्पीनेस दोनों ही अपने साथ लाती है। मेरी कामना है कि मानसून आप सबको लगातार खुशियों से भरता रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात कहाँ शुरू करें, कहाँ रुकें, बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन आखिर समय की सीमा होती है। 1 महीने के इंतजार के बाद फिर आऊँगा, फिर मिलूँगा। महीने भर आप मुझे बहुत कुछ बातें बताना, मैं आने वाली मन की बात में उसको जोड़ने का प्रयास करूँगा। और मेरे युवा साथियों, फिर से याद कराता हूँ, आप
क्विज कंपटीशन का मौका मत छोड़िए। आप श्रीहरिकोटा जाने का जो अवसर मिलने वाला है, इसको किसी भी हालत में जाने मत देना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।